हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को क्लिक करने के। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं प्रोडक्ट पैकेजिंग, मिल्क का प्रोडक्ट पैकेजिंग। हम ए टू जेड सीखेंगे कि हमें कोई एम्प्टी बोतल दी जाती है और हमको कोई बोलता है कि हमें इसकी पैकेजिंग करनी है, तो आप डिजाइन, प्रोडक्ट पैकेजिंग डिजाइन से लेके सोशल मीडिया में पोस्ट कैसे कर सकते हैं, ये सारी की सारी ए टू जेड प्रोसेस इस वीडियो के अंदर आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये प्रॉप्स जो है वो हम इसका यूज़ करके डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करने वाले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिज़ाइन का रेपर जो है बोतल का वो बनाएंगे इसके अंदर का। तो सबसे पहले नई फाइल ले लेते हैं सिर्फ रेपर के लिए, वो वर्टिकल होगा। मैंने साइज ले रहा हूँ 1920। रिजोल्यूशन आपको जो रखना है रख सकते हो, मैंने 300 रखा है। डन, देन क्रिएट करेंगे इसको। G4 ग्रेडियंट प्रेस करेंगे। ग्रेडियंट के अंदर हम कलर चॉइस करेंगे कि हमको कौन सा कलर जो है वो चाहिए। मैं ब्लू थीम पे बना रहा हूँ फिलहाल। दोस्तों, जो भी आप कलर सिलेक्ट करो तो सबसे कॉर्नर वाला सिलेक्ट मत किया करो। चाहे कोई भी कलर लो लेकिन उसका कॉर्नर वाला कलर जो है वो मत लिया करो। जितना हो सके उतना नेचुरल कलर, यानी कि 100% ये वाला कलर नहीं, उसके आगे पीछे वाला थोड़ा कलर यूज किया करो। इससे आपके डिजाइन का लुक जो है वो बहुत ही अच्छा लगेगा और प्रोफेशनल लगेगा। ठीक है, तो ये इसका हम कुछ इस तरह से लेंगे। ओके, देन ओके प्रेस करेंगे एंड फिल कर देंगे यहां से। और अगर आपको लाइट डार्क करना हो तो आप कर सकते हो। ओके, देन ओके, और ये कुछ इस तरह से लाइट हो चुका है। अब क्या करें, टैक्स का यूज करेंगे। हम लिखेंगे टैक्स, टैक्स में लिख रहा हूं मिल्क। फॉन्ट है स्विस ब्लैंक, मतलब ये फॉन्ट जो है मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो फिलहाल कैप्स लॉक ऑन करके मैं इस फॉन्ट को यूज कर रहा हूं। मिल्क लिखा है हमने, मैं कोई भी प्रोडक्ट का नाम नहीं ले रहा हूं। ठीक है, तो मिल्क लिख लेते हैं यहाँ से और कुछ इस तरह से एक न्यू लेयर के अंदर बी फॉर ब्रश। ब्रश का मुझे कुछ हार्ड चाहिए ब्रश, तो मुझे छोटी साइज का ब्रश चाहिए, वो मैं ले लेता हूँ यहाँ से। और कुछ इस तरह से मैं फिल कर दूंगा बी फॉर ब्रश, और कुछ इस तरह से मुझे चाहिए तो मैं इस तरह से ले लेता हूँ। एक यहाँ पे और यहाँ पे। इस टाइप की मैंने कुछ इफेक्ट बनाई है फिलहाल। अभी क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मैं मिक्स कर लेता हूँ। कंट्रोल ई प्रेस करके मैंने इस दोनों को मिक्स कर दिया है। अलाइनमेंट सेंटर ले लेते हैं इसका। अभी एक टेक्स्ट लिखेंगे लावण्य माय एज ए डेमो। मैं यहाँ पे सभी डमी टेक्स्ट ही लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो फिलहाल लिख लेते हैं लावण्य। कुछ इस तरह से लेंगे, हमें सर्कल कुछ इस तरह से बनाना है इसलिए। अभी इसके अंदर हम ग्रेडियंट फिल करेंगे वापस। जो भी आपको ग्रेडियंट रखना हो आप रख सकते हो, मैं फिलहाल कुछ अलग ही लेके जा रहा हूँ यहाँ से। डबल क्लिक और येलो शेड लिया मैंने। ओके, देन यहाँ पे कुछ इस टाइप का ले लेते कलर। ओके, और इसको नीचे लेके जाता हूँ। जो टेक्स्ट जो है हमारा उसको कलर ब्लैक कर देते हैं ताकि वो हाईलाइट हो। और यहाँ पे 90% नहीं चाहिए मुझे, 60% ब्लैक चाहिए। ओके, इसका टेक्स्ट के साथ अलाइनमेंट देन, और इस पूरे को जस्ट कुछ इस तरह अलाइनमेंट सभी का सेंटर। अभी जो नीचे टैक्स हम लिखेंगे थोड़ी सी, तो जो हमारा कवर जो है रैपर है मिल्क का, उसके अंदर हम ये सब कुछ पेस्ट करने वाले हैं। तो इसको मैं फिलहाल के लिए सेव कर देता हूँ। कंट्रोल एस, इसको डन, इसको मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल। अब क्या करेंगे, जो हमारी बोतल है ब्लैंक उसको हम यहाँ से लेके आएंगे कि बोतल जो है वो हमारी यहाँ पे आ जाए। देन अब ब्लैंक यहाँ पे दिख रहा है, तो हम इसके अंदर जो ग्रेडियंट है वो फिल करने वाले। तो सिलेक्ट बैकग्राउंड देन फिल, हम ग्रेडियंट ले लेते हैं यहाँ से फिलहाल के लिए। और जो भी आपको कलर चाहिए वो कलर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, देन यहाँ से आप
सब ग्रेडियंट जो है वो यूज कर सकते हो। ओके ओके देन फिल, जिस टाइप का आपको फिल करवाना है आप कर सकते हो। अभी जो हमने रेपर बनाया उसका यूज करेंगे कि रेपर की जो जेपीजी है वो यहाँ पे हम लेके आएंगे। अभी इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, फिलहाल इस इमेज को ऊपर लेके जाते हैं और कितनी रखनी है उसको कंट्रोल टी प्रेस करके साइज देख लेते हैं कि कौन सी कितनी चाहिए हमको। तो हमको बस इतनी चाहिए यहाँ से और यहाँ पे हमको फिल कर देंगे, ठीक है। साइज थोड़ी सी कर लिए तो ये डिजाइन है, हम इसको कंट्रोल टी एंड रैप। अभी इस इमेज को हम थोड़ा सा बोतल के हिसाब से सेट कर रहे हैं। सेम एज नीचे यहाँ पे देन, तो ये कुछ हमें इस तरह से मिल चुका है। अभी फिलहाल के लिए वो प्रॉपरली फिट नहीं लग रहा है, थोड़ा सा माइनस गैप दिख रहा है। पहले हम अल्टर की प्रेस करके हम इसको इसके बोतल के अंदर डाल रहे हैं, अल्टर की एंड प्रेस, ठीक है। तो इसके अंदर हम ग्रेडियंट फिल करने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले डबल क्लिक करेंगे यहाँ से और यहाँ पे ग्रेडियंट दिया गया है उसको हम यूज करेंगे। कौन सा ग्रेडियंट होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 60% जो है वो ब्लैक रखना है या फिर 100% भी रख सकते हो, इसको हम बाद में चेंजेस भी कर सकते हो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों साइड 100%। और सेंटर के अंदर हमें कोई भी कलर नहीं चाहिए, यानी कि 0, देन ओके प्रेस करेंगे तो कुछ इस टाइप का इफेक्ट जो हमको मिल जाएगा। इसको आप लाइट डार्क ज़्यादा बड़ा कर सकते, ओपेसिटी इसको कितनी रखनी है, कितनी कम कितनी ज्यादा, ओके। तो पहले कैसा था और अब कैसा है, देखिए पहले कुछ इस तरह से था, अभी हमारा इस तरह से बन चुका है जो कि ज्यादा अच्छा लग रहा है। अभी क्या करेंगे, इसके अंदर एक शेडो जो क्रिएट करेंगे, इस पे डबल करके ड्रॉप शेडो और इसकी साइज जो थोड़ी सी बड़ी कर देंगे अगर आपको, ठीक है। डिस्टेंस बहुत ही कम रखना है, जितना हो सके उतना, ओके। तो ओके करते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि क्या होता है। ये ड्रॉप शेडो हमने यूज किया था, पहले ऐसा था अभी ऐसा हो चुका है, डन। तो ये लग रहा है कि परफेक्टली बोतल के अंदर ही फिट हुआ है, डन। अभी क्या करेंगे, जो इसको थोड़ा सा हम डेकोरेट करेंगे और ड्रॉप शेडो यहाँ पे दे देंगे। पहले फिलहाल ड्रॉप शेडो का यूज करेंगे, न्यू लेयर बी फॉर ब्रश, और ब्रश का कलर जो है वो ब्लैक, ब्लैक करेंगे यहाँ से 60%, देन ओके प्रेस करेंगे और इसको शेडो है तो ज्यादा कर लेते हैं, 100 कर देते हैं, बाद में इसको चेंज करेंगे, चलो ओके। देन ब्रश की साइज वो हम बड़ी कर लेते हैं और फिर ब्रश चेंज करना पड़ेगा यहाँ से और फिल करेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करके मैं इसको छोटा कर रहा हूँ और बोतल के जस्ट नीचे इसको मैं लेके जाता हूँ, एक ड्रॉप शेडो में यहाँ पे बोतल के नीचे, थोड़ा सा इसको आगे लेके आएंगे और कुछ इस तरह से बड़ा कर देंगे। कंट्रोल जे फॉर डुप्लीकेट, कंट्रोल टी इसको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे ताकि ये कुछ इस तरह से हमें मिल जाएगा, और इसको कुछ इस तरह से हम करेंगे, ओके। और ओपेसिटी इसकी जो है वो हम कम कर देते हैं, इसकी और इसकी दोनों की ओपेसिटी डिजाइन के अकॉर्डिंग हमें चेंज करनी है, डन, जो की रियल लगे, ठीक है। अभी कुछ डेकोरेशन कर लेते हैं थोड़ा सा, ये हमारे पीएनजी है इसको यूज करेंगे यहाँ से, इसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं और प्रोडक्ट जो है उसको नीचे लेके आते हैं। अभी क्या करेंगे, थोड़ा एक टेक्स्ट लिख लेते हैं फ्रेश, ठीक है। तो मैंने टेक्स्ट कुछ इस तरह से लिखा है, इसको मैं अलाइनमेंट कर लेता हूँ फिलहाल कुछ यहाँ से 150, ठीक है। तो कुछ मेरा अलग टेक्स्ट जो है कुछ इस तरह से हो चुका है, इसका कलर जो है मैं व्हाइट दे देता हूँ, ओके।
और इसको मैं जस्ट इसके थोड़े से पीछे लेके जाऊंगा यहाँ से जस्ट बैक साइड, और दिखे कुछ इस तरह से हम बनाते हैं इसको डन। अभी क्या करेंगे, फिलहाल के लिए ट्री आ चुके हैं, अभी इसका यूज करेंगे। ये किन्नो है, किन्नो KINNOW, इसको यहाँ पे पीछे भी रख सकते हो और आगे भी रख सकते हो, आगे रख देते हैं ज्यादा अच्छा लगेगा। और इसका डुप्लीकेट भैया इधर आएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में सेट हो चुके हैं कुछ इस तरह से, या आपको चाहे इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। मैं फिलहाल के लिए ऊपर रखता हूँ ये सर। देन इनका भी शेडो हमें क्रिएट करना होगा अभी फिलहाल, तो जस्ट न्यू लेयर एंड बिफोर ब्रश और क्लिक कंट्रोल टी, इसको थोड़ा सा कुछ छोटा कर देंगे यहाँ से और इसको सेट कर देंगे इस तरह से। डन, और इसको पीछे लेके जाएंगे प्रोडक्ट के पीछे, और ओपेसिटी इसकी कम कर देंगे, थोड़ा सा हार्ड इसको बनाएंगे कुछ इस तरह से। अभी सेम इसका करेंगे, न्यू ले लेंगे फिलहाल के लिए, और एक शेडो बीफोर ब्रश करके कंट्रोल टी छोटा किया इसको, और इसके पीछे कुछ इस तरह से यहाँ से थोड़ा सा खींच के बड़ा कर दिया, और इसको हम नीचे लेके जाएंगे और ओपेसिटी जो है वो कम कर दिया। तो ये प्रोडक्ट का शेडो जो है वो यहाँ पे हमें बना लिया है। डन, अभी क्या करेंगे, एक और है यहाँ से, बहुत सी इमेजेस है, इसको यूज करेंगे हम कुछ इस तरह से। हम इसको लेके जा रहे हैं और इसको सबसे पीछे कि कुछ इस तरह से मिले। नेक्स्ट करेंगे, एक और इमेज है यहाँ पे, इसको नीचे लेके जाएंगे यहाँ से और ओपेसिटी इसकी कम कर देंगे। डन, यही सेम चीज इसकी डुप्लीकेट यहाँ पे ले लेते हैं, रास्टराइज करेंगे इसको, व्हाइट कलर दे देता हूँ या फिर ब्लैक, चलो ब्लैक दे देते हैं, और लाइट कलर और भी लाइट कर देते हैं। इसको आप बड़ा भी कर सकते हो कुछ इस तरह से, लेकिन बड़ा नहीं करना है तो छोटा करके एकदम छोटा कर देते हैं इसको, और कुछ इस तरह से हम यहाँ पे ले लेते हैं। अभी हमारा डिजाइन तो जो है वो फाइनल तो हो चुका है, लेकिन हम इसके अंदर थोड़े से चेंजेस जो है वो करने पड़ेंगे। किस टाइप के चेंजेस वो देख लेते हैं। तो न्यू लेयर लेके हम क्या करेंगे, इसका लेवल जो है वो चेंजेस करेंगे, लाइट डार्क करेंगे, डिजाइन को कितनी अच्छी लग रही है कितनी नहीं, ये बहुत जरूरी है आपके प्रोडक्ट पैकेजिंग के लिए, ठीक है। तो ये चीज करना ना भूले हमेशा के लिए, कुछ अच्छा होता हो तो बहुत ही अच्छा, इसका टचिंग आपको देना ही है, तो डिजाइन का लुक जो है वो एकदम से प्रोफेशनल ज्यादा हो जाएगा, मोर एंड मोर प्रोफेशनल होगा। जितना काम करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, एक हो गई। दूसरा कर लेते हैं यहाँ से हम कर्व शेप, कर्व के अंदर थोड़ा सा लाइट डार्क करेंगे यहाँ से, देन और क्या करेंगे इसके अंदर, एक और नया इफेक्ट है इसके अंदर। यहाँ से आपको क्या करना है, कलर लुकअप में जाना है। कलर लुकअप के अंदर 3D LUTs दिए गए होंगे आपके पास, डिफॉल्ट होंगे ही आपके पास, आपको लगे अच्छा लगे वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको जस्ट उसका यूज करना है। मान लीजिए मुझे ये अच्छा लगा है तो मैं इसको रख लूंगा यहाँ से, तो कुछ पहले इस तरह से था, अभी हमें इस तरह से मिल चुका है। एक और इफेक्ट ले लेते हैं यहाँ से, जस्ट ये प्रोडक्ट उसके पास नया लेयर इसके पीछे लेके जाना है, और बीफो ब्रश और कलर जो है उसको वाइट करेंगे। हम प्रोडक्ट को हाईलाइट करने जा रहे हैं फिलहाल, तो प्रोडक्ट को हम 1, 2, 3 और इसकी ओपेसिटी कम, तो अभी क्या होगा, प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही हाईलाइट होगी। ये देखिए पहले ऐसे भी, अभी कुछ इस तरह से मिल रही, अभी इसके अंदर कुछ अलग सा दिख रहा है, तो उसको थोड़ा सा सेट करेंगे फिलहाल।
इसको मल्टीप्लाई ताकि अच्छा दिखे और इसकी ओपेसिटी कम करेंगे। ठीक है, तो हमारी प्रोडक्ट कुछ इस तरह से दिख रही है अभी फिलहाल। ड्रॉप शेडो को अगर आप मोड चेंज करके देखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो, जो भी जहाँ पे भी अच्छा लग रहा है वो सेट कर लीजिए। फिर ये कलर अच्छा लग रहा है इधर, और लाइट डार्क भी कर लेते हैं। चलो, पहले ऐसा था अभी ऐसा है, डन। तो ये इस डिजाइन को जो है वो आप अपने सोशल मीडिया के अंदर पोस्ट कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर दीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और आपके कोई भी कमेंट हो, क्वेश्चन हो, डाउट हो तो हमें जरूर बताइएगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और इस प्रोजेक्ट का यूज करके उसकी प्रैक्टिस करके हमें इंस्टाग्राम पे टैग जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी डिजाइन कैसी बन रही है, किस टाइप की बन रही है, कोई एरर है या नहीं, कुछ कंफ्यूजन है या नहीं, और कोई चेंजेस लाने की जरूरत है या नहीं, ये सारे के सारे सवाल का जवाब आपको मिल पाए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।